जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों एक बार पुनः स्वागत है आपका। दोस्तों अभी हम जैसा दिख रहा होगा, छत्तीसगढ़ पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए 29 जनवरी को इसका एग्जाम है। ठीक है, 29 जनवरी को इसका एग्जाम है। समय बहुत कम है, अब कम समय में उसके पाठ्यक्रम को भी समझना और पढ़ने की रणनीति भी बनाना, ये बहुत चैलेंजिंग काम है। और जहां तक पाठ्यक्रम की बात है तो थोड़ा सा लंबा है, बहुत सारे इसमें विषय हैं, लगभग 7 विषय को सम्मिलित किया गया है। तो किस पर्सन को पढ़े किसे ना पढ़े, एक बहुत गंभीर समस्या है। और ये जो सब इंस्पेक्टर का भर्ती है बहुत उथल पुथल के साथ अंततः हो रहा है, ये एक सकारात्मक बात है। तो इसी सकारात्मक ऊर्जा के साथ आप सब ने बहुत दिनों से संघर्ष किया है, अब उस संघर्ष को असली मुकाम तक पहुंचाने का अब समय आ गया है। तो क्या रणनीति बनाएं, कैसे इसको पढ़े कम समय में और हमारा जो परीक्षा वो हम पास हो जाए। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं इसके पाठ्यक्रम क्या क्या है, कितने अंक आने वाले हैं। ठीक है, तो इसका पाठ्यक्रम दोस्तों सबसे पहले देखें तो भारत का सामान्य अध्ययन है। ठीक है, सॉरी, भारत का सामान्य अध्ययन। ठीक है, आप सब पढ़ भी लिए होंगे, फिर भी एक बार इसको देखिए, क्योंकि कोई भी चीज बार बार देखने से एकदम अच्छा से कंठस्थ होता है। ठीक है, तो भारत का सामान्य अध्ययन 105 अंक का आएगा, 35 प्रश्न होंगे। भारत के सामान्य अध्ययन से कितने अंक और कितने प्रश्न, 105 अंक और 35 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। दूसरा जो है छत्तीसगढ़ का अध्ययन, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन अर्थात सभी चीज इसमें इंक्लूड है, 75 अंक के पूछे जाएंगे, 25 प्रश्न। ठीक है, पाठ्यक्रम समझिए, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन 75 अंक, 25 प्रश्न। अगला आपसे पूछा जाएगा गणित, या हम बोल सकते हैं कि कोई भी टॉपिक लिख सकते हैं। वैसे कंप्यूटर लिखा था, ऑफिशियल वेबसाइट पे कंप्यूटर लिखा है, लेकिन कंप्यूटर को मैं बाद में लिख रहा हूं। ठीक है, तो इसमें मान ले हिंदी, हिंदी सामान्य हिंदी लगभग आपका 30 अंक का आएगा, 10 प्रश्न। चौथा गणित, अभी मैं पाठ्यक्रम लिख रहा हूं, फिर बताएंगे कि किसको पढ़े किसको छोड़े, क्या रणनीति है, है ना, कैसे रणनीति बनाएं, ये भी 30 अंक। ये आपका क्लियर होना चाहिए किस सेक्शन से कितने प्रश्न आ रहे हैं। पांचवा मानसिक योग्यता या एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, छठवां कंप्यूटर, सातवां अंग्रेजी। या आपको सबको पता होगा, आप सबने पढ़ भी लिया होगा सिलेबस को। ठीक है, अब सिलेबस तो दिया है, ये मानसिक योग्यता 30 अंक का है, 10 प्रश्न, कंप्यूटर में 15 अंक है और इसमें भी 15 अंक है, इसमें से 5 और इसमें से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक मोटी मोटा आपको एक पाठ्यक्रम दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये इन्हीं सेक्शन से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा और आपका समय रहेगा 2 घंटा। समय कितना है, 2 घंटा। 29 जनवरी को परीक्षा है और समय बहुत कम है। अब किसको पढ़े किसको छोड़े, ये समस्या है, रणनीति क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों भारत का सामान्य अध्ययन हम देखे तो इसका जो पाठ्यक्रम है वो काफी बड़ा है। ठीक है, इतिहास में ही देखे तो इतिहास पढ़ते पढ़ते हमको महीनों लग जाएंगे। इसमें प्राचीन इतिहास होता है,
मध्य इतिहास होता है, आधुनिक इतिहास होता है और साथ ही साथ स्वतंत्रता आंदोलन से ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो इस सेक्शन को आप बिल्कुल पढ़िए, ठीक है, क्योंकि पढ़ना है, क्योंकि 105 अंक इसी में से आएगा। लेकिन इसमें आप समय व्यर्थ कर रहे हैं ना, इसको बिल्कुल नहीं पढ़ना है आपको, क्योंकि देखो कम समय है, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो ये और आपका दिमाग को खराब कर देगा, है ना, क्योंकि इसका बहुत लंबा है, इसी में इकोनॉमिक्स है, उसी में ज्योग्राफी है। अगर आपने पहले से अगर अध्ययन किया है तो एक बार रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन अभी पढ़ने स्टार्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल मत पढ़िए उसको ना। अगर आपने पहले तैयारी किया है और आपका रिवीजन बस करना बाकी है तो आप इस चीज को करिए, वरना इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। दूसरा है छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन नंबर मेकिंग है 75 अंक का है, ठीक है, कितने अंक का, 75 अंक का। तो ये सेक्शन को आप से बनेगा ही बनेगा, तो इसको एक बार और रिवीजन करिए, ठीक है, एक बार और रिवीजन करिए छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, क्योंकि लगभग पांच छह दिन बचा है एग्जाम को, तो इसका रिवीजन करिए। हिंदी को एक बार देख लीजिए, इसका भी रिवीजन करिए, बनेगा ही बनेगा प्रश्न, ठीक है, इसमें से बनेगा ही बनेगा, एक बार इसको पढ़ना ही है किसी भी हाल में आपको। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, स्वर, वर्णमाला, जितना भी है सबको पढ़ना ही है आपको, रणनीति है ये, ठीक है। युद्ध करने जा रहे हैं तो रणनीति जरूरी है, तो ये रणनीति बनाइए और 30 अंक ले जाइए। हिंदी को पढ़ना ही है, कोई किसी चीज को पढ़ो मत पढ़ना इसको, सामान्य अध्ययन को, लेकिन हिंदी को पढ़ना तो एक अच्छा है, ठीक है। उसके बाद आप गणित अगर आपसे बनता है तो अच्छा है, नहीं बनता है तो कोई बात नहीं। मानसिक योग्यता को पढ़िए, ये जरूरी है। परमानेंट क्वेश्चन आते हैं, कोई घुमा फिरा के नहीं आता है, परमानेंट क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, 30 अंक इसमें भी आपको लार्ज मात्रा में, ठीक है। आपको क्या क्या पढ़ना है बता रहा हूं मैं, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन पढ़ना है, हिंदी पढ़ना ही है, आईएमपी, ठीक है, ये भी आईएमपी है। अगर आप कुछ नहीं पढ़े हैं तब पढ़ना है ना, अगर आपका तैयारी अच्छा है तो आप बहुत अच्छा है, अच्छी बात है, आपका सिलेक्शन होगा ही। अब नहीं पढ़े वो लोग भी करीब जा सकते हैं, वेटिंग लिस्ट में आ सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि फेल ही हो जाए। तो क्या पढ़ना है दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन पढ़िए आप, हिंदी कंठस्थ करिए, मानसिक योग्यता देखिए, ठीक है। इसको नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, ठीक है, ये दोनों नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसमें से कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और ये वाला सेक्शन तो आप सबसे बनेगा ही बनेगा, कंप्यूटर में आपका सीपीयू के बारे में पूछा जा सकता है, मेमोरी के बारे में पूछा जा सकता है, प्रिंटर के बारे में पूछा जा सकता है, तो ये थोड़ा सा देख के जाइए, बहुत कम समय में इसको, ठीक है, ये पढ़ के जाइए। इंग्लिश का से कुछ भी पूछा जा सकता है आपको, वॉइस पूछा जा सकता है, करेक्ट सेंटेंस पूछा जा सकता है, एंटोनिम सिनोनिम पूछा जा सकता है, तो इसको आप हार्डली मत लीजिए, दिल से मत लीजिए, इसको हल्के में लीजिए, ठीक है, नहीं बनेगा कोई बात नहीं, 15 अंक का है, 5 प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें से, तो ये चीज आप छोड़ दो, ये चीज छोड़ दो, ठीक है। अब अपने पास कितना है, 75 30, ये वाला 30, ठीक है, ये हो गया, 3-4 को ऐसा है पढ़ना ही है, क्योंकि कम समय है, 5 दिन में पढ़ रहे हैं तो समय अपने पास बहुत कम है, तो आप जो जो बनेगा उसको देखिए, ठीक है, इसमें से आपका 100% बन सकता है, हिंदी बनेगा, मानसिक योग्यता बनेगा, कंप्यूटर बनेगा ही बनेगा, क्योंकि सीपीयू, प्रिंटर, वायरस, एंटीवायरस, ये सबको पढ़ना है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका था पढ़ने की रणनीति, ठीक है, तो ये सेक्शन को पढ़िए, लेकिन एकदम दिल लगा के, एकदम हार्डली इसमें नंबर आएगा ही करके, उसमें पूरा समय व्यर्थ मत कीजिएगा, इसको समय दीजिएगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों पाठ्यक्रम, आपका 300 अंक का प्रश्न आएगा, 100 प्रश्न, ठीक है, 300 अंक का 100 प्रश्न पूछा जाएगा। पढ़ने की रणनीति बताया कि भाई इसमें ध्यान मत दीजिए ज्यादा, क्योंकि इसके लिए बहुत लंबा समय चाहिए रहता है, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तब की बात है, और फिर छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन है, हिंदी है, और मानसिक योग्यता कंप्यूटर में ध्यान दीजिए, आपको बेसिक चीजें पढ़ना है तो, और आप एक पासिंग मार्क के करीब आप पहुंच सकते हैं प्री एग्जाम में, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का रणनीति, कि किसे पढ़े किसे ना पढ़े,
वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले जो सीजी पुलिस है लगभग 1100 पद, उसके लिए भी वीडियो इसमें अपलोड होते रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाए, जिससे क्या होगा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, जय हिंद।